तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विदेश कुमार और आप सभी को स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सिंघम भाई ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज पीछे आप लोग को दिख रहा होगा कि मैं अभी गाड़ी में हूँ और ये गाड़ी बता दूँ कि भारत बेंच की है और इस वीडियो में इस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए बताने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि गाड़ी कैसे बढ़ाएँ और क्या क्या बढ़ाने के लिए प्रेशर चाहिए, डीजल चाहिए, क्या क्या चीज़ होता है, ये सब चीज़ बताऊँगा। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा और दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आधा वीडियो आप लोग देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा, पूरा देखने के बाद ही समझ में आएगा कि गाड़ी कैसे चलाया जाता है। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे राइट साइड में, सबसे राइट साइड अगर ड्राइवरी सीट पर बैठेगा यहाँ पर तो सबसे राइट साइड में आपको यहाँ पर एस्केलेटर मिलेगा और उसी का बगल में ब्रेक मिलेगा। ये है एस्केलेटर और ये है ब्रेक, और उधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्लच है। तो अभी गाड़ी के हम नीचे हैं, ये रहा पूरा गाड़ी नीचे है और ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने के बाद आप लोग को स्टेयरिंग एडजस्टिंग कर लेना है और सीट एडजस्टिंग कर लेना है। ये दो चीज़ सबसे पहले काम करना है कि दोनों चीज़ को एडजस्ट कर लेना है। आगे अगर सीट पीछे लग रहा है तो आगे कर लें, और स्टेयरिंग अगर आपको थोड़ा नीचे लग रहा है तो ऊपर कर ले, ऊपर लग रहा है तो नीचे कर ले, हाइट कर ले, लेवल पे अपना मिला ले। और मिलाने के बाद यहाँ पे यहाँ से होता है स्टेयरिंग एडजस्टिंग। यहाँ से देखिए, यहाँ नीचे करना है, उसके बाद देखिए स्टेयरिंग को जैसे कर सकते हैं वैसे हो सकता है, ऊपर करना है तो ऊपर भी हो सकता है। उसके बाद सीट को एडजस्ट कर लें। ये सीट है जो यहाँ पे, ये सीट आगे से आप लोग को राइट साइड में दिया रहेगा। यहाँ इधर यहाँ पे राइट साइड में देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे का सीट हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा। इससे इसको पुश करना है, ऊपर को पुश करना है, उसके बाद हो जाएगा। अगर सीट को आगे करना है तो यहाँ पे दिया है। अगर सीट को आगे करना है तो यहाँ पे इसको उठाना है इसे, और आगे पीछे हो जाएगा। इसको उठाना है, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे करना है, उसके बाद आगे पीछे करना है, हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा मीटर। मीटर के बारे में बता दूं कि पहले यहाँ पे चाबी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे चाबी देना है। चाबी देने के बाद देखिए मीटर में लाइट आ गया। लाइट आने के बाद, और ये देखिए मेरा अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, मेरा गाड़ी अभी न्यूट्रल में है, न्यूट्रल में है। देखिए यहाँ पे कितना किलोमीटर चला है वो बता रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बता रहा है, यहाँ पे टाइम बता रहा है, और यहाँ पे प्रेशर बता रहा है। देखिए यहाँ पे प्रेशर है, ये आरपीएम मीटर है, और ये आप कितना का स्पीड चल रहे हैं ये है, और ये मेरा डीजल कांटा है। यहाँ पे देखिए पेट्रोल पंप का निशान दिया है। और सबसे पहले आप गाड़ी पर चढ़े तो आप डीजल पर ध्यान दें और यहाँ पे प्रेशर पर ध्यान दें। ध्यान देने के लिए बता दूं कि अगर प्रेशर नहीं है, ध्यान देने के बाद प्रेशर यहाँ पर नहीं है, देखिए मेरा 6 से नीचे है, प्रेशर 6 से नीचे है, तो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करके प्रेशर बनाएंगे। अगर 6 से ऊपर प्रेशर रहेगा तभी मेरा गाड़ी चलेगा, अगर 6 से नीचे है, अगर अभी स्टार्ट करके गाड़ी बढ़ाएंगे तो गाड़ी नहीं बढ़ेगी। स्टार्ट करने के बाद कुछ देर बाद प्रेशर बन जाएगा, उसके बाद 6 से ऊपर हो जाएगा तो गाड़ी मेरा बढ़ेगी। और अभी मेरा डीजल फुल है, देखिए यहाँ पर कांटा यहाँ पर बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो दोस्तों ये रहा गियर जो आप लोग को दिख रहा होगा, 10 गियर की गाड़ी है, 8 गियर टॉप तक है और सी गियर, एक लोड गियर, एक रिवर्स। तो गियर कोई भी गाड़ी हो, छोटा गाड़ी हो या बड़ा गाड़ी हो, जो न्यूट्रल में गाड़ी है तो सामने अगर आगे का ठेलिएगा तो 3 ही गियर लगेगा। कार हो, ब्लोरो हो, स्कॉर्पियो हो, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी हो, आगे अगर यहाँ पर हम करते हैं तो 3 नंबर लगेगा, सामने 3 ही लगेगा, पीछे करेंगे तो 4 लगेगा। तो दोस्तों गियर लगाने के लिए बता दूँ कि ये 10 गियर की गाड़ी है, अगर गियर लगाना है तो यहाँ पे गाड़ी में एक देखिए, यहाँ से एक गियर है, यहाँ से ऐसे करना है थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करना है लेफ्ट साइड, और सामने आगे की ठेल देना है, एक लग गया, उसी का पीछे सीधा ऐसे हाथ करके ऐसे, उसी का पीछा ऐसे दो, फिर ऐसे करना है ऐसे न्यूट्रल, न्यूट्रल करने के बाद सीधा 3, उसी का पीछे 4 लग गया। उसका बाद आपको 5 जब लगाना है तो 5 ऐसे लगेगा नहीं, इसको एक बार ऐसे हाथ करके ऐसे मारना है, उसका बाद
ए लग गया सामने, ठेल देना आगे की 5, उसके बाद 6, उसके बाद ऐसे राइट साइड खींचना है, राइट साइड, राइट साइड खींचने के बाद ए यहाँ पे 7, उसी का पीछे ऐसे करना है और उसी का सामने 8, ये 8 गियर लग गया। और गियर लगाने के बाद आप लोग को अभी मेरा गाड़ी न्यूट्रल में हो गया, और यहाँ पे जब गियर में डालेंगे, यहाँ पे देखिए गियर में डाले और फिर न्यूट्रल हट गया, न्यूट्रल के न्यूट्रल आ गया। तो सबसे पहले आप लोग को गाड़ी स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद आप लोग को क्लच ब्रेक तो पता है कि नीचे रहता है, गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद देखिए मेरा गाड़ी स्टार्ट हो गया, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे गियर है, यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे गियर लगाना है, ये देखिए 1, 2, 3 जितना 3 तक खाली गाड़ी उठा सकते हैं, यहाँ पे हम एक में लगाते हैं, एक लगाना है। एक लगाने के बाद यहाँ पे अभी मेरा प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है तभी गाड़ी बढ़ेगी नहीं, तो यहाँ पे पहले प्रेशर बना लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, देखिए धीरे धीरे कांटा चढ़ रहा है, अब देखिए 6 के सामने हो गया मेरा प्रेशर, 6 के सामने हो गया, और 6 के सामने हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लच लेना है नीचे, जो नीचे है सामने यहाँ पे क्लच, यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्लच है, क्लच को लेना है। क्लच लेने के बाद यहाँ पे एक नंबर लगाना है, और लगाने के बाद यहाँ पे हैंड ब्रेक है, यहाँ पे जो सामने दिख रहा होगा हैंड ब्रेक, इसको बाहर को खींचना है थोड़ा सा, देखिए यहाँ से ऐसे खींचना है इसको, यहाँ से देखिए ऐसे खींच करके और इसको ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद देखिए रेड कलर का यहाँ पे लिखा था वो ख़त्म हो गया सब, और अगर गिराएंगे तो आ गया, आ गया। और इसको देखिए यहाँ पे ऊपर करेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर करने के बाद मिट गया। उसके बाद यहाँ पे एक नंबर लगा देना है, लगाने के बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है और धीरे धीरे एस्केलेटर को यहाँ से एस्केलेटर को लेना है, यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे कीजिएगा, देखिए मेरा गाड़ी आगे बढ़ने लगा, देखिए बढ़ गया। अगर बैक करना है, रिवर्स लगाना है, तो यहाँ से पूरा लेफ्ट साइड लगना है, लेफ्ट साइड यहाँ पे पूरा, यहाँ पे लेफ्ट साइड लगे, यहाँ पे रिवर्स गियर लग गया, देखिए यहाँ पे रिवर्स गियर लग गया। तो यही फार्मूला है गाड़ी चलाने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय।